इस कुरान की गारंटी है, इस कुरान की गारंटी, एक हरफ पढ़ोगे दस नेकियां लिखी जाएंगी, बावजू पढ़ोगे 25 नेकियां लिखी जाएंगी, नमाज में बैठ के पढ़ोगे 50 नेकियां लिखी जाएंगी, नमाज में खड़े होकर ये कुरान पढ़ोगे तो हर हरफ के बदले 100 नेकियां लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, उसके मुताबिक बंदे के जो दर्जात है रूहानी मरातब में वो क्या होंगे, बुलंद होंगे अल्लाह की बारगाह में, उसके रुतबे बुलंद होंगे, फिर जन्नत में उसको जो मुकाम दिया जाएगा वो उसके मुताबिक उसको दिया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं जो बयान करना चाहता था मेरा ख्याल है आपने समझ में बात आ गई है। लाखों मसाजिद का मतलब क्या है, अल्लाह का कुरान पढ़ो, सीखो, उस पर क्या करो, अमल करो, उस पर हदीस सीखो, उस पर अमल करो, और ये चीज तुम्हें क्या डॉक्टर बना देगी, क्या अकाउंटेंट बनाई देगी, चलो डॉक्टर तो नहीं बनाएगी, अकाउंटेंट नहीं बनाएगी, अल्लाह का वली जरूर बना देगी, अल्लाह का वली जरूर बना देगी ये चीज आपके अंदर, समझ आ रही है। अल्लाह का वली छोटी बात, अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में ये कह रही है अल्लाह इसको जन्नत में भेज दे, वो जहन्नमियों की सब में लगा भी होगा तो अल्लाह उसको जन्नत में, जहन्नमियों की सब में लगा होगा अल्लाह की बारगाह में सवालिश करेगा अल्लाह उसको जन्नत में भेज दे। इतना बड़ा रैंक है, इतनी बड़ी सादत है। मेरे दोस्तों भाइयों, वापस जिंदगी की तरफ आओ। आज मैं देखता हूँ हमारे मुसलमान बच्चे नहीं को समझाने वाला, तो नहीं समझते को समझाना जो नहीं किसी ने, तो फिर उनको बताना जो नहीं किसी ने, तो फिर वो यहूदियों नसारा के तरीके के पीछे ही चलना है। तो आज सलाना महफिल आपकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब से द्वारा देखना है डाक से महफिल का आगाज कर दिया नादिर सुल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने उन्होंने पढ़ी है। यज्ञ बाद दीगर तमाम नाज़रात तशरीफ लाएंगे और अपना अपना कलाम बारगाह मुस्तफा अलैहि सलाम में पेश करेंगे। 11 बजे से पहले सिर्फ जियाद भी हो जाएगा, जिक्र भी हो जाएगा, इंशाल्लाह दुआ भी होगी। आफ्ताब सद्दारी साहब से सल्लल्लाहु अलैहि जिगर से पार होता है
Hey.
Allah'a emanet olun.